ट्रैफिक सिग्नल्स, हम सब लोग जो है ना रोड पे चलते हैं, जब ट्रैवल करते हैं, अब जो है ना ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह देखते हैं, पर हमको क्या सच में ट्रैफिक सिग्नल के बारे में सब कुछ पता है? अभी भी बहुत सारे लोगों को ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में मालूम तक नहीं है। ये वीडियो को एंड तक देखना, आप जिन लोगों को भी पता नहीं है ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में उनको पता चल जाएगा। रोड पे सफ़र करते हैं अब हमको बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह मिल जाते हैं, पर हमको ये नहीं पता कि हम लोग को ट्रैफिक सिग्नल के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, और हमको ये भी नहीं मालूम कि हमको रोड क्रॉस कैसे करनी है। ये वीडियो को एंड तक देखना, मैं ट्रैफिक सिग्नल के बारे में ऐसी ऐसी जानकारियाँ आपको दूंगा, बेसिक बेसिक, जो आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रीन सिग्नल के बारे में। ग्रीन सिग्नल का मतलब सब लोगों को पता है, ऑलमोस्ट सब लोगों को पता है कि ग्रीन सिग्नल जब भी आता है तो आपको अपनी गाड़ी मूव कर देना है, मतलब आपको क्लियर है कि आप जो है ना अपनी गाड़ी जो है ना लेके जा सकते हैं। कभी कभी पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग में भी जो है ना ऐसे ग्रीन कलर में आ जाता है, तो इसका मतलब यह है कि जो है ना वहाँ पे चलने वाले जो रोड पे सड़क पे है वो सड़क क्रॉस कर सकते हैं। दूसरी जो लाइट आती है वो रेड कलर की लाइट है। रेड कलर की लाइट, ये भी ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा, रेड कलर का मतलब है रुक जाना है, बट रुकना कहाँ पे रुकना है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कब कहाँ पे रुकना है। वहाँ पे जो है ना आप देखते हैं एक पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग जब मार्किंग होती है, वाइट कलर की पट्टी मार्किंग करते हैं, वहाँ से उससे पहले आपको रुकना है, क्योंकि वो जगह पे जो है ना जो पैदल लोग चलने वाले होते हैं उनको क्रॉस करने के लिए बनाया जाता है, तो उनको जो है ना वो फैसिलिटीज़ के लिए आपको उससे पहले जो है ना अपनी गाड़ी को रोकना है। अब तीसरी लाइट के बारे में बात करते हैं। येलो लाइट जो होती है, थोड़ी थोड़ी ऑरेंज भी लगती है वो, उसके बारे में बात करते हैं। जब भी सिग्नल जो है ना रेड से ग्रीन होने वाला होता है या फिर ग्रीन से रेड होने वाला होता है, तो उसमें जो है ना 2 से 3 सेकंड का ये एम्बर लाइट होता है, येलो कलर का लाइट। जब भी लाइट ग्रीन से जो है ना रेड को टर्न होने आती है, तो आपको जो है ना बीच में एक येलो लाइट फर्स्ट दिखेगी, आपको वार्निंग जैसे कि मतलब आपका जो है ना सिग्नल अब चेंज करने वाला है। तो वैसी सिचुएशन में जब आपको आप रुके हुए हैं, मतलब आपने अभी क्रॉस नहीं किया हुआ है, अगर आपको येलो लाइट दिख जाती है तो आपको क्रॉस नहीं करना है। हाँ, अगर आप क्रॉस कर रहे हैं, जब आपको जो है ना क्रॉस करने के बाद अगर आपको बीच में येलो लाइट दिख जाती है तो आप जो है ना फटाक से जो है ना जल्दी से क्रॉस कर सकते हैं। ये तो सिंपल सिंपल चीज़ें हो गई। रात के टाइम पे या फिर कभी भी आप देखते होंगे रेड कलर की लाइट कंटिन्यूसली ब्लिंक करते रहती है उसमें सिग्नल में, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि कभी भी आप जैसे ही जा रहे हैं वो पॉइंट पे, जैसे ही अब जहाँ पे भी रेड लाइट ब्लिंक कर रही है वहाँ पे आपको रुकना है, रुक के आसपास देखना है, अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल मतलब या फिर कोई भी ट्रैफिक आ रही जा रही नहीं है, यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक हवालदार नहीं है, तो आप वहाँ से आजू बाजू देख के निकल सकते हैं। नहीं तो अगर वहाँ पे कोई भी ट्रैफिक हवालदार वगैरह मौजूद है उसके सिग्नल्स पे आपको काम करना होता है। वैसे ही सेम तरीके से रात के समय पे येलो लाइट ब्लिंक होती रहती है, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यह है कि आप जब जा रहे हैं कहीं पे भी येलो लाइट जैसे ब्लिंक हो रही है, तो इस लाइट का मतलब यह है कि वहाँ पे टोटली सिग्नल बंद है, तो आपको फिर भी जो है ना अपनी स्पीड कम करके थोड़ा सा रुक के जो है ना आजू बाजू देख कर जो है ना पास करना है। ये जो बात हो गई ट्रैफिक सिग्नल्स जो गाड़ियों के होते हैं उसके बारे में, अब उनके बारे में बात करते हैं जो सड़क पर चलने वाले होते हैं। देखिए, सड़क पे चलने वालों के लिए मैं आपको बता दूं, कभी भी जहाँ भी लाइट जो है ना रेड हो जाती है गाड़ियों के लिए, वहाँ पे आप देखिए जो चलने वालों के लिए होती है वो ग्रीन सिग्नल बताता है, क्योंकि जहाँ पे भी जिस लेन की भी गाड़ियाँ रुकी होती हैं वहाँ पे सामने वाइट पट्टियाँ होती है, तो वो वाइट पट्टियों पर आपको चलते हुए क्रॉस करना है। वहाँ का सिग्नल जब ग्रीन होता है तो आपको क्रॉस नहीं करना है। जो पैदल चलने वाले होते हैं उनके लिए भी सिग्नल्स होते हैं जंक्शन पे, तो उसको देख के जो है ना आप क्रॉस करिए। जैसे ही आपको जो है ना वो ग्रीन सिग्नल दिखाता है तो आप वहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, जैसे ही आपको जो है ना पेडिस्ट्रियन में रेड सिग्नल दिखाता है तो आप वहाँ पर क्रॉस नहीं कर सकते। और ये कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। कभी भी जो देखते हैं हम मार्केट में वगैरह कहीं पे भी रोड पे चलना हो तो लोग जो है ना रोड के बीच में चलते हैं पैदल वाले, तो फुटपाथ आपके ये चलने के लिए ही बनाया गया है, कभी भी जो है ना फुटपाथ का यूज़ करें। अगर कहीं पे फुटपाथ नहीं है तो आपको जो है ना रोड की जो वाइट कलर की एंड की पट्टी होती है उसके पूरा नीचे बाजू में चलना है, क्योंकि जो है ना वहाँ पे जहाँ पे आप अगर रोड के बीच में चलेंगे तो आपका एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा है। होप करता हूँ आपको बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।